हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, नया साल स्टार्ट होते ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमको नए इंटरेस्टिंग संकेत दिखे हैं चार्ट पे। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में निफ्टी बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रैली भरी और निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देके गया है। अब दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे कमिंग पॉसिबिलिटीज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल देने वाला हूँ और मैं आपको इंपॉर्टेंट कॉल ऑप्शन देने वाला हूं, ऑप्शंस के ट्रेड देने वाला हूं, ताकि अगर आपके पास यार कम पैसा है, कम कैपिटल है, तो यू कैन ट्रेड इन निफ्टी बैंक निफ्टी एंड कुछ आप अर्न कर सको। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और दोस्तों, मैं तीन स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो कि कल वेल परफॉर्म कर सकते हैं, उसके पीछे का मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस भी बताने वाला हूं। सो चलिए, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आइए दोस्तों, हम पहले जानते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी क्या हुआ है। वन डे के चार्ट पे बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी ग्रीनिश कैंडल बनी है। अलॉन्ग विद दिस, ये जो पैटर्न बना हुआ था आप देख पा रहे हैं, ये जो पैटर्न 1, 2, 3, 4 लगभग चार दिन से जो ट्राई कर रहा था इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का, वो नहीं तोड़ पा रहा था और फ्राइडे के सेशन में वो रेजिस्टेंस तोड़ चुका है। व्हाट डज इट मींस? अब यानी बैंक निफ्टी में रैली आने वाली है। मैं आपको और थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूँ। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, बार बार ये ना क्या कर रहा था, ये गैप फिल करके नीचे आ रहा था, गैप फिल करके नीचे आ रहा था। अब ये सस्टेन कर चुका है, तोड़ चुका है। देखो, फ्राइडे के सेशन में मॉर्निंग में पूरा मार्केट चल गया, उसके बाद मार्केट स्ट्रैगनेंट रहा, मार्केट डाइसी रहा, ठीक है, रेंज बाउंड रहा। अब सुनिए, अब हमको ना बाय के साइड रहना है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी बहुत अभी रैली आनी बाकी है, ध्यान रखिएगा। तो हमें कल के डेट में बाय करके चलना इस ब्रेकआउट के ऊपर। देखिए, बेसिकली क्या है, ब्रेकआउट कभी भी होता है तेजी से ऊपर नहीं जाता है मार्केट, इट विल फर्स्ट कंसोलिडेट देन आफ्टर इट विल गो अप, ठीक है। दोस्तों, हम क्या करके चलेंगे, हम बाय करके चलेंगे 35,585 के ऊपर। अगर सस्टेन करता है 10 मिनट का कैंडल, 10 मिनट एटलीस्ट ना, 10 से 12 मिनट, देन इट विल बी ए गुड रैली टुमारो, ठीक है। फिर आराम से हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 35,700 के, सेकेंड टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं 35,800 के, एंड 36,000 तक के भी हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमारे बैंक निफ्टी में। दोस्तों, अगर ये लेवल टूटता है तो मैं यहाँ पे 35,500 के कॉल ऑप्शन लेना चाहूँगा और थोड़ा सा और डीप इन द मनी 35,400 का मैं कॉल ऑप्शन लेना चाहूँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा वॉल्यूम अभी कम रहेगा क्योंकि दोस्तों बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर, चूँकि देखो हॉलीडेज़ काफ़ी ये लंबा था, ठीक है, और न्यू ईयर भी था बीच में, तो लोग अभी ना फ्रेश पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्रीमियम हमको हल्का फुल्का एक्सपेंसेस मिल सकते हैं, मतलब बहुत महंगा मिलेगा, तो हमको ध्यान रखकर चलना है। मोमेंटम मिलेगा तभी हमको बाय करके चलना है, बिकॉज एज वी आर अ कॉल ऑप्शन बायर, ठीक है, हम ऑप्शन बायर हैं, ध्यान रखकर चलिएगा। तो रेडी हो जाइए एक बड़ी मोमेंट के लिए। दोस्तों, हमने पहले भी देखो आपका कई बार आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 35,500 का लेवल अगर तोड़ता है तो एक गुड रैली देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाकी अब देखते हैं, कल एक बढ़िया मोमेंटम आने वाली है, ठीक है। ओके, अगर मैं आपको थोड़ा वन डे का चार्ट दिखाऊं, वन डे के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशन, ठीक है। और देखो, कर क्या रहा था पहली बार, ये जब ये रेंज बना रहा था ना, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को नहीं तोड़ पा रहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट तोड़ चुका है। एक दो दिन और अगर सस्टेन करते हुए मिलेगा तो हमको फॉर श्योर हमको टारगेट यहाँ तक देखने को मिलेंगे 37,500 तक। ऑल राइट, चलिए जानते हैं निफ्टी का व्यू। दोस्तों देखो, निफ्टी तो बहुत शानदार पैटर्न बना चुका है। अगर आपको ध्यान होगा दोस्तों, आप प्लीज़ हमारी पहले का जाके वीडियो देखिए, हमने आपको हर बार बताया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी उतना नहीं गिरेगा, बेस फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। ये दोस्तों आप वीडियो जाके जरूर देखिए जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रही है। ये वीडियो मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरेगा, ठीक है ना, 18 से 19% का करेक्शन देख के ऊपर जाएगा और वही एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है। तो देखो, काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बना के अब ऊपर जाने को रेडी हो चुका है। अब नाउ कल के लिए 15 मिनट के चार्ट पे वी कैन गो फॉर बाय। देखो, पहली बात क्या हुआ है, ये जो रेंज हमको बनते हुए दिख रखा है ना, इस रेंज का देखो ब्रेकआउट तो हो ही गया है, देख सकते हैं रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब हमको आराम से ये रेंज अगर टूटेगा ना, ये जो कंसोलिडेशन है टूटेगा तो बाय करके चलना। तो कल के लिए निफ्टी में 17,370 के ऊपर बाय करके चलेंगे, 17,370 के ऊपर बाय। अब स्टॉप लॉस वुड बी 30 पॉइंट्स का मैं रखता हूँ यूजुअली, ज़्यादा बड़ा वे स्टॉप लॉस नहीं। टारगेट वन होगा 17,450, सेकेंड टारगेट वुड बी 17,500 का।
दोस्तों बहुत शानदार रैली हमको देखने वाली है अब निफ्टी में, ठीक है, क्योंकि निफ्टी अब एक दो दिन और अगर हमको सस्टेन होते हुए दिखता है ऊपर, डेफिनेटली डेफिनेटली इट विल बी अ वेरी शूट अप रैली, ठीक है। चलिए हम जान चुके हैं निफ्टी का व्यू। तो देखो निफ्टी में मैं ध्यान रख के चलूँगा 17,300 के कॉल ऑप्शन पर, ध्यान रख के चलिएगा आप ये वाले 6 जनवरी वाले एक्सपायरी का, ठीक है, और 17,200 के कॉल ऑप्शन पे मैं ध्यान रख के चलूंगा। दोनों कॉल ऑप्शन हमको बढ़िया मोमेंटम दे सकते हैं जब ये इसके ऊपर सस्टेन करेगा आराम से, फिर एक ऊपर साइड हमको रैली देखने को मिलेगी। हाँ दोस्तों ध्यान रख के चलिएगा कि मान लीजिए कल मोमेंटम नहीं भी आता है तो परसों आएगा, क्योंकि देखो मार्केट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, ठीक है। चलिए पहला स्टॉक है हमारा DLF, DLF को बाय करके चलना है। लेट मी शो यू वाई बाय करके चलना है। देखो दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं DLF, अगर आप वन डे के चार्ट पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस बार बार ना यहाँ पे आता है, इधर आता है तो उधर जाने की तैयारी कर रहा है DLF हमारा, ठीक है, और वन डे के चार्ट पे ना ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो चुका है। ये जो कचरा जो जोन था ना इसका ब्रेकआउट हो चुका है आप ऊपर साइड में। तो दोस्तों कल हमको आराम से बाय करके चलना। अब देखो बड़ा अंदर एक पैटर्न बना है, देखो ये रेंज का ब्रेकआउट था, अब हमको इसके ऊपर बाय करके चलना है, ये रेंज के ऊपर, ठीक है। ये रेंज हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं सो दैट यू कैन गेट टू नो मोर बेटर, ठीक है। अब देखिए 390 के ऊपर बाय करके चलना, अभी 391.50 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय अबव 390, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रख लेंगे 388 का, टारगेट वन होगा 395 का, टारगेट सेकंड 397। ये तो टारगेट होगा हमारा DLF में। आई होप आप चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, आई होप आप एक एक दिन हमारी वीडियो को देख के समझ रहे हैं। तो अब हम रेगुलर आप लोगों के लिए अब मेरा पर्सनल प्रॉफिट और लॉस मैं आपको दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट मोटिवेटेड और आप लोगों को पता लगे कि हाँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ। ऑल राइट, सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर, बाय करके चलना है, ठीक है। दोस्तों देखो टाटा कंज्यूमर में क्या हुआ है मैं आपको शो करता हूँ। अगर मैं आपको वन डे का चार्ट दिखाऊँ तो देखिए वन डे के चार्ट पे ना ये काइंड ऑफ बेस बनाया है यहाँ पे और रेंज का ब्रेकआउट हो कर चुका है, ठीक है। चलिए तो इस रेंज के ब्रेकआउट को हम बाय करके चलेंगे, कल एंटिसिपेट करके चलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए ये ब्रेकआउट था, ये वाला देख पा रहे हैं आप ये वाला। सो हमको कल ना प्रीवियस डे हाई के ऊपर बाय करके चलना। देखो मैं काफ़ी सिंपल चीज़ें फॉलो करने का प्रयास करता हूँ, ये वाला हमको बाय करके चलना इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर। ऑल राइट, सो 745 के ऊपर बाय होगा, बाय अबव 745, स्टॉप लॉस वुड बी 743 का रख लेंगे, 743 नहीं, ये काम करते हैं 741 कर देते हैं, एंड टारगेट वन वुड बी 756, टारगेट सेकेंड होगा 759 का। ये दो टारगेट होगा हमारा किस में, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में। दोस्तों वीडियो में आगे चलें उससे पहले आपको स्क्रीन के सामने हमारे टेलीग्राम स्टॉक के परफॉर्मेंस और हमारे यूट्यूब स्टॉक्स के परफॉर्मेंस दिख रहे होंगे। दोस्तों हम आपको रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम पे स्टॉक देते रहते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, जहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। सो दोस्तों आप जाके जरूर जुड़ें। ऑल राइट, और चलिए हम देखते हैं हमारा लास्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड, बाय करके चलना जुबिलेंट फूड। क्यों बाय करके चलना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिकली ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये वाले जोन पे और ये वाले जोन पे, ठीक है। तो अब देखो ये डिपेंड करता है कल के ऊपर, कल अगर मेरे को कैंडल सस्टेन होते हुए दिखता है ना कितने के ऊपर, लेट मी शो यू इसके ऊपर तो मैं बाय करके चलूँगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा फ्री हैंड ड्रॉ कर पा रहा हूँ, इस लाइन सही से ड्रॉ नहीं हो पा रही है, ये आप देख सकते हैं इधर, ठीक है। तो हमारा बाय होगा 3606 के ऊपर, 3600 क्या है साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 3606 के ऊपर बाय होगा। दोस्तों टूटने दीजिए पहले उसको, टूटने के बाद मैं आपको बाइंग का ट्रेड दे दूंगा इसमें। देखिए मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगा कि आप लोग सीखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, और अगर आप चीज़ों को और सही ढंग से सीखना चाहते हैं, देखो दोस्तों बाकी तो हमने आपको ढेर सारे कंटेंट दे रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। लेकिन हाँ उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई हम कुछ और एडवांस सीखें तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड लाइक करना ना भूले वीडियो को। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।